नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मेरा नाम है रिद्धि भंडारी। इलेक्शंस का माहौल है जलंधर में। लोकसभा उपचुनाव के लिए जो है 10 मई को वोटिंग हुई थी। जलंधर के लोगों ने अपने जो वोट थी पार्टीज को डाली थी, लेकिन आज 13 मई है और 13 मई को रिजल्ट आना है। तो सुबह 8 बजे जो है रिजल्ट शुरू हो गया, काउंटिंग शुरू होगी। पहले बैलेट बॉक्सिंग की जो पेपर्स की वोटिंग थी वो शुरू हुई है, अब दूसरी मशीन की जो वोटिंग शुरू हो चुकी है। और सबसे लीड पर जो है आप चल रही है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद अकाली और फिर बीजेपी। तो चलिए, जो मेन पार्टीज हैं जो वो आगे चल रही हैं, तो चलिए और लोगों से जानते हैं उनकी राय कि कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट जो है इस बार इलेक्शंस में इस बार जो है जीतना चाहिए और एमपी की जो सीट है उस पार्टी या उस कैंडिडेट को मिलनी चाहिए। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं। अकाली सरकार जीतनी चाहिए। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने हिसाब न जो सरकार सी उदो अपा सहूलत बहुत सी, जो हम जो सरकार आ गई सानू कोई सहूलत नहीं है। दिनों दिन महंगाई भी वधदी जा रही, सानू कोई सहूलत नहीं मिली है। अकाली क्यों प्रेफर कर रहे हो? क्योंकि बाकी पार्टीज भी हैं, आप आगे चल रही है, कांग्रेस ही लाइक करते हैं। अशिकाल अंकल जी, अंकल एमपी दे इलेक्शंस दा आज रिजल्ट हैगा, ते केड़ी पार्टी जेड़ी अगे जितनी चाहिदी है? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰੀ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਜਾਂ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰੇ ਆ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸਤੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਦੇਣਗੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਜੇ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ, जलंधर के विकास के लिए आप बता दीजिए कि जलंधर में ये विकास होना चाहिए या कोई आगे डेवलपमेंट होनी चाहिए? हाँ जी, तरक्की होनी चाहिए जलंधर शहर के, सोहनी सड़क बननी चाहिए, सोहने शहर बनने चाहिए। तो हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, तो अंकल आप बताइए इस बार एमपी के इलेक्शंस का रिजल्ट है आज, तो कौन सी पार्टी आगे होनी चाहिए? देखो, ये तो काम पे डिपेंड करता है, अगर चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, अगर वो वर्क अच्छा करे तो कोई भी नकार नहीं सकता उनको। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है जमीनी पद्धर काम चाहिए पब्लिक को। जो भी पार्टी है ऊपर के फंडे तो बहुत छोड़ती है, कोई भी किसी भी पार्टी के लोग हमेशा फंडे ही छोड़ेगी, ऐसे कर देंगे वैसे। जमीनी पद्धर पे आप भी हर गली में जाते हो, कहाँ कहीं दिखा आपने जमीनी पत्र पे कोई काम? कहने को अखबारों में पोस्टर भी लगा देते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, हम ये कर दिया, वो कर दिया, पिछली सरकार भी ऐसी करती, ये भी कर रहे हैं, आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन जो मिडिल वर्ग है या मध्यम वर्ग है जो उसके नीचे वाला है, आज तक किसी भी सरकार ने उनके बारे में कभी सोचा? हमें तो ये कहते हैं चाहे कोई पार्टी आ गया काम करे, हमें तो काम से मतलब है। जो मिडिल वर्ग का वर्क है उसे तो काम चाहिए बस। अगर आपको आपके जिले में सहूलत ही नहीं है तो आप किसी को एमपी बनाए जाए, एमएलए, क्या क्या फायदा उसका? आपने आपके क्या जो वोट का अधिकार था व्यर्थ हो गया वो। तो आपने तो सोचा कि ये आदमी सपोज करो जो सरदार जी हैं बड़े बच्चे अच्छे हैं, अगर इनको हमने एमएलए या एमपी बना दिया, बाद में यही हमारा काम ही ना करे, छोड़ हमारे हमारे चेहरा ही ना दिखा, तो फिर हमें क्या सोचे उसके बारे में, क्या सोचे? वो तो है अंकल, पर आज सुबह से काउंटिंग शुरू हो गई है, तो आगे आप चल रही है, फिर कांग्रेस है, तो क्या उम्मीद आपको लगता है कि इस बार आप आ रही है या कांग्रेस आ रही है? नहीं, चलो आपका जो है तो आज, लेकिन बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं कांग्रेस भी, जो पिछले समय से बहुत पीछे जा रही थी, कम से कम फिर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है अच्छा है उनके लिए, आगे आए। चलो, ये तो होता है, दो पहलवान लड़ रहे हैं तो एक वो तो गिरना ही है। नहीं, केड़ी पार्टी जड़ी है जितनी चाहिए थानू, मतलब होना चाहिए कि आ पार्टी ने काम कीते, आ पार्टी अगे होनी चाहिए? जेड़ी पार्टी काम बढ़िया करू वो आपे जीत जाएंगे। आप अगे चलदी भी, सुशील रिंकू जड़े हैगे उन्हां दी पार्टी अगे चलदी पई है, ते उस चीज से तुसीं की कहना चाहोगे कि आप पार्टी अगे आनी चाहिए? देखो जी, जिन्होंने काम बढ़िया कीता हुण ओही अगे आणा है। तुसीं आम जनता दे रूप च की चाहुंदे हो कि इह पार्टी? नहीं, ऐसी इतना नहीं कह सकते जी। अंक आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पार्टी आगे आनी चाहिए, कौन सी जीतनी चाहिए? आम आदमी पार्टी। क्यों, क्या कारण है? उस पहले उसी बनी थी, उसकी बनी थी, तो उनके काम से आप आगे खुश हैं कि? हाँ, वो हाँ जी खुश हैं।
तो चलिए और लोगों से भी जान लेते हैं कि कौन सी पार्टी जो है जीतनी चाहिए, कौन सा कैंडिडेट और आगे आना चाहिए। अंकल आप बताइए कौन सी पार्टी जो है आगे मतलब जीतनी चाहिए। जेड़ी मर्ज जीता सा ना कोई फर्क नहीं पैंदा। क्यों क्यों नहीं पैंदा? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤੇ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਡਮ। ਹਾਂ ਬਟ ਆਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚਾਂਸਸ। ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਨਸੇ ਕਿ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਅੱਗੇ ਜਲੰਧਰ? ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਕਾਰ ਕਰਨ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਨੈਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿੱਚ। आइए और जानते हैं। नमस्कार अंकल, आज एमपी इलेक्शंस के रिजल्ट हैं तो कौन सी पार्टी इस बार आनी चाहिए? सुशील रिंकू आप पार्टी। क्यों अंकल, क्या कारण है? कारण देखो पंजाब में होल्ड उनका है तो मेरे हिसाब से वही आनी चाहिए। और कोई उम्मीद है आपको पार्टी से कि हाँ ये पार्टी डेवलपमेंट होनी चाहिए? पार्टी करेगी, ये सुशील रिंकू जी आ रहे तो कुछ ना कुछ करेंगे। आप पार्टी रमन रोड़ा जी सब मिलकर करेंगे कुछ ना कुछ।